अपने सारी समस्याओं को दो तीन कैटेगरी में डालें और उसको सरकार के पास एक बार फिर जाए, हमें मालूम है रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन लेकर आए। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के पास जाए, हमें मालूम है मीडिया इसको टेकअप करने वाला नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास में पूरा अधिकार बनता है इंटरनेशनल मीडिया के पास जाने के लिए, यूरोपियन यूनियन में जाएँ, यूएन में जाएँ, और जितना भी वेस्टर्न मीडिया है, जितना भी मुस्लिम कंट्रीज का जो मीडिया है, उस मीडिया में हम अपनी बात ले जाएँ। 1957 में वाल्मीकि समाज को भूख हड़ताल करनी पड़ी 1957 में, और उससे बहुत पहले से लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसका एक ही कारण था, हक नहीं मिल रहा था। 57 में लड़ाई लड़ी गई, हक नहीं मिल रहा था, और वो लड़ाई आज तक जारी है कि समाज को, वाल्मीकि समाज को या स्वच्छकार समाज को अपना हक नहीं मिल रहा है। जो सेवा हम दे रहे हैं और जो पीड़ा उठा रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसका हमको फल नहीं मिल रहा है। नहीं पता है, आप जानते हैं जो जो विकसित देश है, विकसित देश कभी भी ऐसे देश के साथ में आर्थिक समझौता नहीं करेंगे जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कभी नहीं करेंगे। अगर यहां पर चाइल्ड लेबर है, अगर विमेन एट्रोसिटीज है, अगर जाति के कारण किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये देख करके कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना पैसा नहीं डाले। मुझे पहले ही पता है 1957 में वाल्मीकि समाज को भूख हड़ताल करनी पड़ी 1957 में, और उससे बहुत पहले से लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसका एक ही कारण था, हक नहीं मिल रहा था। 57 में लड़ाई लड़ी गई, हक नहीं मिल रहा था, और वो लड़ाई आज तक जारी है कि समाज को, वाल्मीकि समाज को या स्वच्छकार समाज को अपना हक नहीं मिल रहा है। जो सेवा हम दे रहे हैं और जो पीड़ा उठा रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसका हमको फल नहीं मिल रहा है। एक लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही और समस्याएं आप सब जानते हैं। उसके बाद सरकारों ने और आगे चल करके जो हक थे, देते भी थे, वो भी हक मारना शुरू कर दिया, और एक ऐसी स्थिति आ गई जो हमें मिल रहा था वो भी हमें नहीं मिलता है। दो डॉक्यूमेंट्स आज हमारे सामने आए हैं, एक ये जो हमारे दूसरे तीसरे स्पीकर साहब ने दिया था, दो पेज का डॉक्यूमेंट जो बता रहा है कि 2010 में डी कैटेगरी ख़त्म कर दी गई, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि 85 MP के दस्तखत के साथ में पिटीशन प्राइम मिनिस्टर को दी और उनका दो दिन में एक्शन लेने का वायदा, आज तक सालों दशकों के बाद भी उसको लागू भी नहीं किया गया, पूरा नहीं किया गया। हमें साथ में ऐसा हो रहा है। अब समस्याओं को जितना बोले उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौती इस बात की कि समाधान कहाँ से लाएं, हमें समाधान सोचने की आवश्यकता है। तो एक दो बात और है जिसको मैं समस्या की लिस्ट में जोड़ना चाहूँगा। बहुत बार उसको हम अपनी समस्या के तरह से देखते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक एट्रोसिटीज एक्ट रहा करता था जो हमको काफ़ी ताकत देता था। मौजूदा सरकारों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहाने लेबर लॉस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहाने लेबर लॉस के पर कतर दिए और उसको कमज़ोर कर दिया। ज़्यादा पावर उद्योगपति के हाथ में आ गई। फिर एट्रोसिटीज लॉस जो था, जिसके कारण से हम अपने ऊपर की गई ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा लेते थे, उसके भी पर कतर दिए गए, उसको भी कमज़ोर कर दिया गया। RTI लॉस निकला, RTI एक्ट को भी कमज़ोर कर दिया गया। ये जो कानून रहे हैं, ये हमको परोक्ष रूप से हमारे सहायक रहे हैं, और जो इनकी धार थी उसको लगातार कम किया गया। क्या ऐसा संभव है कि हम किसी प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन बातों को ले जा करके इन कानूनों को रिज्यूविनेट करने का,
इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए पिटिशन कर सकते हैं क्या? नंबर वन. नंबर दो, बहुत सारी बातें उठती रही हैं, एक मांग रही है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की. प्राइवेट सेक्टर ये कहता है मेरा अपना बिजनेस है, मैं इस बिजनेस में आरक्षण क्यों दूँ? चलिए मैं कहता हूँ उसको आप थोड़ा सा बैक बर्नर पर रखें. क्या हम इस मांग को नहीं ले सकते हैं जो PSUs पिछले 5-10 सालों में PSUs जो बेचे गए हैं या जो अब बेचे जा रहे हैं, जिनमें पहले रिजर्वेशन हुआ करता था, उस रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाए? ये तो सरकार के पैसे से बने हुए बिजनेस हैं, ये पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जो है पब्लिक के पैसे से बना हुआ है. हालांकि इसको कोई प्राइवेट एजेंसी चला रही है, लेकिन फिर भी पब्लिक के कैपिटल से बनी हुई जो चीज़ है, क्या उसमें पब्लिक को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? एक रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के बजाय सोल्ड आउट PSUs में रिजर्वेशन की मांग करना. अगली बात, हमें एक बात का ध्यान नहीं है कि हम मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बहुत अहम चीज़ों की मांग कर सकते हैं. मैं बहुत कम सुनता हूँ इस मंच पर इन बातों की मांग करना. मेडिकेयर मतलब काम करते समय कोई बीमार हो जाए, उसकी या उसके परिवार में बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, कोई लंबी बीमारी आ जाए, उसके कारण से आदमी काम नहीं कर पाता है, काम छूट जाता है. ऐसा मेडिकेयर जो हमारी सोसाइटी को सस्टेन कर सके. और दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस. दूसरे देशों में, पाश्चात्य देशों में, विकसित देशों में बहुत अच्छे स्थिति का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है. यदि काम करते समय किसी भी कर्मचारी को, उसके परिवार वालों को कोई समस्या हो जाती है तो उनको एक बहुत अच्छा बीमा का कवरेज मिलता है. ये हमारा हक बनता है, हम इसको मांग सकते हैं. फिर हम इंटरेस्ट फ्री सब्सिडाइज्ड लोन मांग सकते हैं, वो भी हमारा अधिकार है. सौत्रा साहब ने कुछ बात कही थी, जो ऑलरेडी पैसा आया हुआ है, वेलफेयर का पैसा आया हुआ है, सरकारें उसको भी रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के बहाने उसको होल्ड करके रखती हैं. उसके जो ऑपरेशन के नॉर्म्स हैं, उसके जो रिक्वायर्ड पेपर वर्क है, उसको कम करके रिलीज करने की पॉलिसी में बदलाव करने की मांग करने की आवश्यकता है. फिर हम जानते हैं बहुत लंबे समय से हम ढोल पीटते रहे हैं, सुनता कोई है नहीं. अब थोड़ा सा एक एग्रेसिव एक्शन का समय है, क्यों ना हम 3 स्टेप में काम करें. सबसे पहले हम अपने सारी समस्याओं को 2-3 कैटेगरी में डालें और उसको सरकार के पास एक बार फिर जाएं, हमें मालूम है रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन लेकर आए. दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के पास जाएं, हमें मालूम है मीडिया इसको टेकअप करने वाला नहीं है. अब उसके बाद हमारे पास में पूरा अधिकार बनता है इंटरनेशनल मीडिया के पास जाने के लिए. यूरोपियन यूनियन में जाएं, UN में जाएं, और जितना भी वेस्टर्न मीडिया है, जितना भी मुस्लिम कंट्रीज का जो मीडिया है, उस मीडिया में हम अपनी बात ले जाएं. मैं थोड़ा बहुत, मुझे विदेश में मेरी पकड़ है, आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति से मेरी मुलाकात नहीं हुई है जो भारतवर्ष के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से जरा सा भी वाकिफ हो. किसी को आपकी पीड़ाओं के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है. सरकारें जाती हैं और ऊपर से माहौल को रंग करके रंगीन दिखाती है और सारे सैंक्शंस, सारे जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो लेकर आ जाती है. किसी को नहीं पता है. आप जानते हैं जो विकसित देश हैं, विकसित देश कभी भी ऐसे देश के साथ में आर्थिक समझौता नहीं करेंगे जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कभी नहीं करेंगे. अगर यहां पर चाइल्ड लेबर है, अगर विमेन एट्रोसिटीज है, अगर जाति के कारण किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये देख करके कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना पैसा नहीं डालेगी. सरकार के ऊपर ऐसा जबरदस्त दबाव आएगा, इनको आपकी बात मजबूरन माननी पड़ेगी, नहीं तो भिखारी बन जाएंगे. धन्यवाद. मैं सबसे कहता हूँ, जब इस सरकार को 5 साल हुए, देश में चुनावों का दौर चालू हुआ, मैं अपने लोगों को कहा, बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आजकल बहुत बड़ा अच्छा माध्यम जो है वो सोशल मीडिया का आ गया है. सोशल मीडिया पर मैंने सब साथियों से कहा कि भाई हमारे जो मोहल्लों में, हमारे गाँव में, हमारे देहातों में ज़रूर राजनेता आएंगे, हम वोट उनके वोटर हैं, ज़रूर बातें होंगी. स्मॉल स्केल के नेता भी आएंगे, उनसे बड़े भी आएंगे, सबसे बड़े भी आएंगे.
हम सब उनसे ये तो पूछें कि आपने 5 सालों में पर्टिकुलर हमारी कौम के लिए क्या किया है। सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए इस सरकार ने इन 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, कितनी उसमें उन्हें सफलता मिली है, ये पूछने का हक तो है। ये पूछो, कम से कम आप सबसे पूछोगे तो ज़रूर ये चीज़ें आगे तक जाएंगी। सब ये डरेंगे आपके पास आने में कि भाई हमें इस सवाल का जवाब देना है। कुछ को आपको बताएंगे भी, आपको बताएंगे, आपको नॉलेज होगी, शायद हमें नहीं पता हो ये काम हुए, बहुत सारे काम कागजों में हो जाते हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना है। अभी दिल्ली में फिर 2025 में चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के चुनाव में हम सब दिल्ली प्रदेश के लोग बैठे हैं, कुछ ही बाहर के भी लोग बैठे हैं, लेकिन आवाज़ तो दूर तक जाती है। जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो महिला वर्ग है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस मंच के माध्यम से कि जितने लोग, क्योंकि वो हमारी सब जो भी अपोजिशन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारा वर्ग उसमें हमारे परिवार में सफ़र कर रहा है तो हमारा महिला वर्ग सफ़र कर रहा है, उनको सब पता है। और वो बोलने में अगर उनको आप थोड़ी सी छूट दो तो मजबूती से बोलेंगी, मजबूती से अपनी बात रखेंगी। अपनी महिला वर्ग को ये ज़रूर समझाओ, हमारे साथ कुछ परेशानियां हैं, कुछ हमारी दिक्कतें हैं कि पुरुष वर्ग कई बार हम नहीं बोल पाते, मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, कई चीज़ें नहीं बोल पाता लेकिन बोलता हूँ, तो हमारी महिला वर्ग मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है, वो खुल के बोलेगी, वो बोले। और जो भी हमारे नेता आते हैं, जो भी राजनीतिक दल आते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे दरवाजे पर आती हैं, हमारे लोग ये जरूर उनसे पूछें कि जी सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए आपने क्या किया। अजी बहन जी, हमारी निगम पार्षद आ गई, यहीं की हैं सारिका चौधरी जी, मैं ITO पर रहता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ अपनी महिलाओं से, भाई जो मैं MCT वाली हूँ, MCT में काम करती हूँ, सारिका अपनी लड़की है, अपनी बहन है, अपनी बेटी है, उससे पूछो कि बहन जी अब आपको 2-2.5 साल हो गए, आप ये बताओ MCT में कितने सफाई कर्मचारी जो हैं, बहुत